नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम आज बात करने वाले कल के मैच सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, जो ये मैच है मैच नंबर 47। इस मैच के बारे में हम क्या क्या जानने वालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू के बारे में, यानी कहाँ पर मैच है। इसके बाद इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करेंगे, यानी कितनी मैचेस इन दोनों में खेली गई है, कौन कौन जीता है। इसके बाद पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, पिच रिपोर्ट कैसा है, क्या है, सब कुछ जानेंगे। इसके बाद टीम की न्यूज़, यानी टीम में क्या बदलाव हो सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद बात करेंगे टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कैसा है अभी तक। और इसके बाद प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हॉट फिक्स यानी अब तक कौन से प्लेयरों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हाई परफॉर्मेंस यानी प्लेयरों ने कौन से प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में आपको मैं ड्रीम 11 की विनिंग टीम बताऊँगा, जिससे आप बड़ी लीग जीत सकते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेन्यू की बात करें तो मैच नंबर 47 है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे। तो अब बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। दोस्तों, इन दोनों के बीच अब तक 16 मैचेस हुए हैं, जिसमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 मैचेस जीते हैं, तो वही दिल्ली कैपिटल्स ये सिर्फ 6 मैचेस जीतने में कामयाब रही है। इसके बाद बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच फिर से स्लो रहेगी। पिछले 3 आईपीएल मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर सिर्फ 142 रहा है। यहाँ पे तेज़ गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर को भी अच्छी साथ मिलेगी। तो इस तरह से आगे बात करेंगे कि टीम की न्यूज़ क्या है। जी हाँ, माना जा रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खलील अहमद की जगह बंसिल थम्पी हो सकते हैं, और अब्दुल समद के जगह पर या तो अभिषेक शर्मा आ सकते हैं या फिर विराट सिंह का डेब्यू हो सकता है। जी हाँ, विराट सिंह का डेब्यू भी हो सकता है, ऐसी न्यूज़ आई है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह कल ही पता चलेगा। बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के टीम न्यूज़ की। तो यहाँ पे अजिंक्य रहाणे को पिछले मैच में मौका दिया गया था, लेकिन उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो शायद टीम में फिर से पृथ्वी शॉ को लिया जा सकता है। दूसरा चेंज ये हो सकता है कि तुषार देशपांडे जो है इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो शायद उनके जगह पे भी हर्षल पटेल आ सकते हैं। अब बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस की। वो अभी बात करते हैं अबूधाबी में इन दोनों का टीम परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक इस स्टेडियम पे 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने अब तक 4 मैचेस जीते हैं, तो आखिरी मैच उनका लॉस रहा था। SRH की बात करें तो दुबई में SRH अब तक कुल मिला के 7 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें लॉस विन विन लॉस लॉस विन लॉस, यानी अब तक 7 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं, तो वही 4 मैचेस वो हार चुके हैं। अब इन दोनों के IPL में किस तरह का परफॉर्मेंस है ये इस वीडियो में आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब तक दिल्ली कैपिटल्स IPL में 11 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें 7 मैचेस वो जीत चुकी है, तो अब तक 4 मैचेस वो हार चुके हैं। इस वजह से वो इस IPL में अभी तक सेकंड पोजीशन पर है। IPL 2020 के पॉइंट्स टेबल में वो सेकंड पोजीशन पर है। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो SRH अब तक 11 मैचेस खेल चुके हैं, और सिर्फ 4 मैचेस में अब तक जीत हासिल कर पाई है, तो वही 7 मैचेस उनकी लॉस हो चुके हैं, और अभी वो IPL T20 में 7वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल में है। इसके बाद बात करेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। इसमें रहेंगे शिखर धवन, पृथ्वी शाह या अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर कप्तान, ऋषभ पंत, शिमरन हेटमायर, मार्कस टोइनिस, अक्षर पटेल, रवि अश्विन, खंगिसो रबाडा, तुषार देशपांडे या फिर हर्षल पटेल, और आखिर में एडम नॉटजे। इस तरह से रहेगी
माफ कीजिएगा, इस तरह से रहेगी दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल 11। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्रोबेबल 11 के बारे में, तो इनके टीम में होंगे डेविड वार्नर, जॉनी बेरेस्ट्रो, मनीष पांडे, विजय शंकर, प्रियम गर्ग, अब्दुल समत या अभिषेक शर्मा या विराट सिंह, जेसन होल्डर, रशीद खान, खलील अहमद, बंसिल थम्पी या फिर खलील अहमद, टी नटराजन और आखिर में होंगे संदीप शर्मा। तो इस तरह से दोनों टीमों की प्रोबेबल इलेवेंस हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे हाई परफॉर्मेंस की। जी हाँ, इस स्टेडियम पे अब तक काफ़ी हाई परफॉर्मेंस हो चुके हैं। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन ने 57 और 106 रन बनाए थे, तो वही स्टोइनिस ने 53 रन बनाए है, तो 53 और श्रेयस अय्यर है 39 और 53। बॉलिंग की बात करें तो डीसी की तरफ से रबाड़ा ने अब तक 2-3-4-2 इस तरह से 11 विकेट्स अब तक वो ले चुके हैं। आर अश्विन एक बार 2 विकेट, मार्कस स्टोइनिस 2 विकेट, तो एडम नोटजे 3 बार 2-2 विकेट, कुल मिला के 6 विकेट्स अब तक ले चुके हैं। बात करते SRH की हाई परफॉर्मेंस की, तो इसमें ऑफकोर्स है डेविड वार्नर 52 और 48, जॉनी बेरेस्ट्रो है 61 और 97, जो काफ़ी दिनों पहले शतक से जॉनी बेरेस्ट्रो चूक गए थे। इसके बाद मनीष पांडे भी अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, उनका भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और उन्होंने 54 और 83, दो अच्छी इनिंग्स खेली थी। इसके बाद जब उनके शुरुआत के बल्लेबाज आउट होने के बाद प्रियम गर्ग ने एक मैच काफ़ी अच्छी तरह से संभाल ली थी, उसमें उन्होंने 51 रन बनाए थे, तो अभी लास्ट मैच में विजय शंकर 52 रन पर उसके पिछले मैच में विजय शंकर 52 रन बनाए थे। अब बात करते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस SRH की, तो होल्डर पिछले 2-3 मैच में ही आए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक 3 और 2 इस तरह से 5 विकेटें ले ली है। खलील अहमद की बात करें तो वो भी 3 बार 2-2 विकेट लेकर 6 विकेट अब तक ले चुके हैं, तो वही रशीद खान 2 बार 2-2 विकेट, तो 4 विकेट ले चुके हैं। टी नटराजन की बात करें तो उन्होंने अब तक 3 बार 2-2 विकेट्स लिए हैं और इस तरह से 6 विकेट्स लिए, और वो काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं इस IPL में, वो काफ़ी अच्छी यॉर्कर वगैरह यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं हॉट पिक्स कौन कौन रहेंगे। पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के हॉट पिक्स के बारे में, वो रहेंगे शिखर धवन, ऑफकोर्स उन्होंने अब इस IPL में 2 शतक बनाए हैं इसलिए वो तो रहेंगे ही। इसके बाद श्रेयस अय्यर जो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं, मार्कस स्टोइनिस जो काफ़ी अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन इस IPL में कर रहे हैं, इसके बाद खंगिसो रबाड़ा जो पर्पल कैप उनके पास है, काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे, और उनके बाद है एडम नोटजे जो काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की और तरफ से कौन हॉट पिक्स रहेंगे, तो उसमें सबसे पहले ऑफकोर्स नाम आएगा डेविड वार्नर का, उसके बाद जॉनी बेरेस्ट्रो का, उसके बाद आएंगे मनीष पांडे, और उसके बाद आएंगे जेसन होल्डर, उसके बाद आएंगे रशीद खान, उसके बाद आएंगे टी नटराजन। तो इस तरह से दोनों टीमों के हॉट पिक्स रहेंगे। अब बात करेंगे ड्रीम इलेवन की, वो विनिंग टीम जिससे आप अच्छी खासी लीग जीत सकते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर डालना है ड्रीम इलेवन, और अपना ड्रीम इलेवन की साइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सबसे पहली जो मैच दिख रही है SRH वर्सेस DC की ही हम ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम बना रहे हैं, उस पर हमें क्लिक करनी है। इसके बाद क्रिएटर टीम पर क्लिक करनी है। तो आ जाते हैं हम विकेट कीपर पर सबसे पहले। तो दोस्तों विकेट कीपर में सबसे पहले आता है नाम जॉनी बेरेस्ट्रो का। जी हाँ, जॉनी बेरेस्ट्रो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और वो अच्छे खासे फॉर्म में है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमें क्रेडिट का बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, इस वजह से हम काफ़ी सोच समझ कर ये प्लेयर्स यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन सी वो टीम बनती है ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम SRH वर्सेस DC की। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रेडिट की काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इस वजह से जॉनी बेरेस्ट्रो को हमने
छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम इस मैच में जॉनी बेरिस्टर को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पा रहे और हम अपनी टीम में ऋषभ पंत को शामिल करेंगे। बात करते हैं बल्लेबाजों की। जी हाँ, शिखर धवन ने अब तक इस आईपीएल में काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म दर्शाया है, तो इन्होंने 2 शतक भी अपने लगाया है, तो इन्हें हम अपनी टीम से बाहर नहीं कर सकते, इसलिए हम शिखर धवन को अपनी टीम में ज़रूर शामिल करेंगे। इसके बाद बात करते हैं डेविड वार्नर की, तो डेविड वार्नर को भी हम अपनी टीम से नहीं छोड़ सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते। डेविड वार्नर काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाज है, तो इन्हें भी अपनी टीम में हम ज़रूर शामिल कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर भी इस आईपीएल में काफ़ी फॉर्म में है और अच्छे खासे रन बना रहे, इसलिए अब हम उन्हें भी अपने टीम में ज़रूर शामिल करेंगे। इसके बाद मनीष पांडे की बात करें, तो मनीष पांडे पिछले कुछ मैचेस में काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है और वो अच्छे खासे रन बना रहे, इसलिए हम मनीष पांडे को भी अपनी टीम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या हो सकता है। ऑलराउंडर्स में हम आते हैं, सबसे पहले हम स्टोइनिस काफ़ी ऑलराउंडर प्रदर्शन दे रहे, तो हम अपनी टीम में इन्हें भी ज़रूर शामिल करेंगे। तो आगे बात करते हैं विजय शंकर की, तो विजय शंकर कुछ ही मैचेस में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो इसलिए हम अपनी टीम में उन्हें भी शामिल करेंगे। इसके बाद आते हैं बॉलिंग पर। दोस्तों यहाँ पे भी एक टफ डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, या तो हम रबाड़ा को लेंगे अपनी टीम में या तो फिर रशीद खान को लेंगे, तो मैं इन दोनों में से चूज़ करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी की वजह से मैं खंगिस और रबाड़ा को अपनी टीम में ले रहा हूँ। मुझे पता है रशीद खान का प्रदर्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, लेकिन क्रेडिट की वजह से हमें कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, इसलिए हम इस टीम में रशीद खान को नहीं ले रहे। इसके बाद टी नटराजन। जी हाँ, टी नटराजन आप सबको पता है कि इस मैच में इस आईपीएल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमने टी नटराजन को हम अपनी टीम में ज़रूर शामिल करेंगे। इसके बाद आर अश्विन इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, तो हम अपनी टीम में इन्हें शामिल नहीं कर रहे। इसके बाद बात करते हैं एडम नोटजे। एडम नोटजे भी काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके पास काफ़ी अच्छे हथियार है गेंदबाजी में, तो हम अपने टीम में इन्हें भी ज़रूर शामिल करेंगे। तो अब हमारे पास 8 क्रेडिट बचे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और 8 क्रेडिट में हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन कुछ खेल रहे कुछ नहीं खेल रहे। सिद्धार्थ कौल नहीं खेल रहे, शाहबाज नदीम कभी खेलते कभी नहीं खेलते हैं। इसके बाद थम्पी है, और जो मैंने बताया कि खलील अहमद की जगह आ सकते हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं है, और हमें ड्रीम 11 की विनिंग टीम बनानी है, इसलिए हम हवा में बात नहीं कर सकते। इसके बाद हर्षल पटेल भी आ सकते हैं, लेकिन हमें वही नहीं ले सकते। देश पांडे का पता नहीं अब वो अगली मैच खेलेंगे कि नहीं, इसलिए हम उन्हें भी अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है, वो है संदीप शर्मा के रूप में। तो इस तरह से हम अपने टीम में संदीप शर्मा को शामिल कर लेंगे। अब देखते हैं आखिर में हमारी टीम किस तरह से बनी है। सबसे पहले विकेट कीपर में हमारे पास है ऋषभ पंत, इसके बाद है हमारे पास बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर, शिखर धवन दिल्ली की तरफ से, तो मनीष पांडे, डेविड वार्नर SRH की तरफ से। तो ऑलराउंडर में बात करेंगे, स्टोइनिस है दिल्ली की तरफ से, तो विजय शंकर है हैदराबाद की तरफ से, एडम नोटजे और रबाड़ा है दिल्ली की तरफ से, तो वही नटराजन और संदीप शर्मा है हैदराबाद की तरफ से। तो कुल मिला के हमारी काफ़ी ज़बरदस्त टीम बन चुकी है, आई होप आप इससे अच्छी खासी अर्निंग ज़रूर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब बात आती है कप्तान वाइस कप्तान की। तो दोस्तों आप ऋषभ पंत, शिखर धवन, डेविड वार्नर, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, मार्कस स्टोइनिस, खंगिसो रबाड़ा, शंकर चाहे तो सब, एडम नोटजे, सब के सब अच्छे हैं और कप्तान वाइस कप्तान बनाने के लायक है। तो आप इन सब में से किसी को भी कप्तान और वाइस कप्तान बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कप्तान के तौर पर शिखर धवन को चूज़ कर सकते हैं, और वाइस कप्तान के तौर पर
मनीष पांडे को चूज़ करते, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, मनीष पांडे को कप्तान और धवन को वाइस कप्तान भी बना सकते, और आप डेविड वार्नर को भी कप्तान वाइस कप्तान बना सकते, श्रेयस अय्यर को भी कप्तान वाइस कप्तान बना सकते, और मार्कस टोइनिस विजय शंकर रबाडा को कप्तान वाइस कप्तान बना सकते। तो अब हम सेव टीम पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह के आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये सब जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो आप थैंक यू दोस्तों।